वाओ भाई साहब, बहुत बड़ा स्नेक है भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ साहब, ओ जाइंट स्नेकेड गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज आ चुका हूँ और एक न्यू फिशिंग स्पॉट पे फिशिंग करने के लिए। भाई गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है भाई, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। ओके सो चलिए गाइस, वीडियो को अभी स्टार्ट करते, देखते हैं किस टाइप का फिशिंग होता है। तो वीडियो पे बने रहे एंड चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। ओके तो अपना लुकाना गून स्क्वाड एंड अपना डाकुंगाना रेडी है, तो चलिए गाइस फिशिंग अभी करते हैं। तो दोस्तों, सामने का नज़ारा देख सकते हो आप लोग, किस टाइप का नज़ारा है, और यही पे अभी फिशिंग होगा। तो गाइस देख सकते हो, अभी गाइस पानी में जाऊंगा, बट यहाँ पे एक पत्थर है, इसी के ऊपर खड़ा रहकर अभी फेंकूंगा यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है अभी। तो 4 बजे बहुत अच्छा अटक जाएगा, क्योंकि भाई बेशरम आ गया है, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो अटक किया गाइस, अगर पीछे से ही अटक कर लिया उसने, पकड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता। देखो अटक तो गया है गाइस, वो भाई साफ इतना अटक कर नहीं पाया, बट यहाँ पे इतना तेज घाव मार गया ना, पेड़ पे जाकर लग गया यहाँ पे। गाइस यहाँ पे फिश था गाइस, पीछे आ रहा था फिश, बट अटक किया नहीं उसने। दो दो फीस आकर अटैक कर रही है इस जगह पे, क्योंकि अभी बेशरम निकला है तो भाई बहुत ज़्यादा अटक जाएगा। 4 बजे गाइस पीछे आ रहा है फीस यहाँ पे अभी। देखो पीछे आ रहा है, फिर से अटैक करने का ट्राई किया उसने, छोटा प्लग लगाना पड़ेगा, छोटे साइज के फीस से ज़्यादा बड़ा फीस अटैक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो चिड़ गई है, एकदम से चिड़ गई है फीस। देखो अटक किया गाइस, देखेगा गाइस, देखा अटक किया उसने, रहा है या नहीं नीचे नहीं पता। तो गाइस देख सकते हो, यह एक कोबरा है और अच्छे से हुकअप हुआ है इसका। यह आज का पहला शिकार देख सकते हो दोस्तों, स्पेक्ट्रल कोबरा। ये हुआ है अपना फ्रॉक से, तो इसका लिंक भी मैं कैटलॉग, देखो जो कैटलॉग मैंने मेंशन करता हूँ ना, वो भी मैं लोकल के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ, मतलब अपने घर के पास या आसपास के 5-10 किलोमीटर या फिर अपना उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में अभी कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑल इंडिया स्टार्टअप नहीं किया है, ऑल इंडिया स्टार्ट जब होगा ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ऑल इंडिया। ओके ऑल इंडिया के लिए थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी ह्यूज क्वांटिटी में जो है ना सामान नहीं है अभी, तो इसीलिए ऑल इंडिया शिपिंग अभी मैं अवेलेबल नहीं कर रहा हूँ। देखो इसके कहाँ तक हुक हुआ है, देखा मुंह में कहाँ तक फुसाए जाकर काटा, बस ये पहला हुकिंग हो गया। तो गाइस देख सकते हो कितना प्यारा सा सेवल फिश है, सेवल फिश। अभी इसको मैं जाकर छोड़ दूंगा इसको, देख सकते हो दोस्तों भी जाएगा गाइस यहाँ से,
जा बेटा जा बेटा, भाग भाग साले भाग साले। देखो चला गया, मैंने उसको छोड़ दिया। ओके यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप का प्लेस है। हवा का बात अच्छा है कि आज गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट हवा भी उसी तेज़ी से चल रहा है तो अच्छा है, थोड़ा लग रहा है फिशिंग करने के लिए। अभी गर्मी के कारण ज़्यादातर अटक भी नहीं हो रहा है अभी। अगर शाम तक रहूँगा तो ज़रूर अटक जाएगा शाम शाम को, क्योंकि मछलियाँ जो भी छुपी हुई है वो ज़रूर उनके जो है ना बिल से निकलेगी। हवा इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है आज ना, बहुत ज़्यादा चीड़ आ रहा है हवा के ऊपर। जहाँ पे एक्चुअली में कास्टिंग होना चाहिए भाई, वहाँ पे कास्टिंग ही नहीं हो पा रहा है। और फिश का एक्शन तो दूर भाई, पूरा कर ली ओनली सुनामी जैसा लग रहा है, लहड़ा निकल रहा है। यहाँ पे एक फिश ज़रूर फंस सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ओ भाई देखो 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 भाई, सडनली अटैक कर दिया यार इसने। देखो अटक गया है गाइस, यहाँ पे अटक गया है। देखो गाइस अटक गया है गाइस। वाओ वाओ भाई साहब, बहुत बड़ा स्नेक है भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ जाइंट स्नेक है गाइस। इसको भी निकाल लेंगे कैसे गाइस, ये तो इतना बड़ा है कि तो टूट जाएगा भाई। ओ भाई साहब, अरे तो भाई हुक तो हो गया शायद इसका ना, ड्रैग इसका निकल गया गाइस, ड्रैग इसका गया, देखो गया इसका ड्रैग कट गया गाइस। 2 किलो का ही मछली लिया, ड्रैग गया लुकाना टक उगाना का। सो देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्नेकेड है, अभी ड्रैग इसका गया है, अभी क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता। देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा फिश है गाइस, इतना छोटा साइज फिश में अगर ड्रैग निकल जाएगा तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा होगा यार। देख सकते हो बहुत साइजेबल मरल है गाइस, गाइस देख सकते हो इतना साइज का मरल है, देख सकते हो मिनिमम ये करीब करीब 2.5 किलो का समथिंग होगा। तो दोस्तों देख सकते हो क्या फीस है गाइस, देख सकते हो दोस्तों क्या फीस है। क्या फीस है गाइस, देख सकते हो बड़ा बढ़िया बढ़िया मरल है, बट क्या भाई इसका ड्रैग तो स्लिप हो गया है अभी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो अभी कुछ ही दिन पहले ही रिपेयर किया था, एंड गाइस देख सकते हो अभी गाइस पूरा का पूरा टाइट है, फिर ड्रैग लूज हो गया। तो नहीं ये प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे सजेशन देना, क्योंकि भाई इस तरह का अगर 2-3 किलो का मछली ही खींचूंगा ना तो भाई ये अगर इस तरह से स्लिप होगा तो भाई बार बार कितना बार रिपेयर करूँगा यार। यहाँ पे गाइस एक फिश तो है गाइस, बहुत बार अटैक करने की वो ट्राई कर रहा है भाई साहब। गाइस सर अटैक कर दिया फटाफट, पकड़ मतलब थ्रो ही किया था फर्स्ट डाउन में ही अटैक कर दिया उसने ये। देखो निकल गया गाइस, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करने के चक्कर में जो है ना मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया, तो उसी टाइम में से ये वो भाग गया फिश। देख सकते हो
ये छोटा फ्रॉक जो प्रेडेटर फ्रॉक है ना यार, इसका तो जलवा नहीं यार। बड़ा फिश जरूरी इस पर किसी पे अटैक करे या ना करे, इसी पर जरूर अटैक करेगा ये इतना। तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा स्नेकेड पकड़ा है। गाइस देखो पूरा का पूरा सुनहरे कलर का स्नेकेड है।